नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। पाहूया आताची सर्वात महत्त्वाची बातमी। आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार राजदूत संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षपदी परवीन शेख तर उपाध्यक्षपदी तनिष शेख यांची नियुक्ती। वंचितांच्या हक्कासाठी आणि उपेक्षितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटनेचा संघर्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओसामा कोइलख। आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार राजयोग संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक शहरात नुकतीच पार पडली। यामध्ये संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षपदी परवीन शेख आणि उपाध्यक्षपदी तनिष शेख यांची नियुक्ती करण्यात आली। संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओसामा कोइलख यांच्या हस्ते या दोन्ही महिला पदाधिकाऱ्यांचा नियुक्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी राज्य अध्यक्ष साहिब खान पठाण, जनसंपर्क अधिकारी सिकंदर शहा, उद्योजक दिलीप गांधी, प्रमोद बेंद्रे, उद्योजक गुलाब गुलशन, राज लिंबोरे, प्रशांत काळे, अंजुम सय्यद, शाहीन पठाण, साक्षी काळे आदी उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मिनीनाथ चव्हाण यांनी केले तर आभार सिकंदर शहा यांनी मानले। तो आने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि मैं जो भी जिन किसी को भी बोला ना, जो इंटरनेट ह्यूमन राइट्स का मतलब जो पता नहीं है जिस किसी को भी, तो उसको मैं ये चीज़ जगाने के लिए आया हूँ उसके अंदर कि भाई मैं ना ह्यूमन राइट्स किसको कहा जाए, ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है, ह्यूमन राइट्स का क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ मैं बताने के लिए खास तौर से आप लोगों के पास में आया हूँ अहमदनगर। और मैं मेरे साथ में हमारे पदाधिकारी साहिब खान पठान जो महाराष्ट्र लेवल के प्रेसिडेंट है, उनको भी मैं साथ लेके आया हूँ। मेरे सिकंदर सर, हमारा जो सिकंदर सर है साथ में, जो हमारे साथ में आए हुए हैं, जो हमारे साहिब खान साहब के खास है, बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले, उनको भी एक पद दी जाएगी हमारे पास से औरंगाबाद लेवल पर, औरंगाबाद की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वो औरंगाबाद के रहवासी है प्रॉपर। और हमारे जो मैडम हैं प्रवीण मैडम, जिनको अभी हमने यहाँ पर नियुक्ति दिए हैं, जो उनकी नियुक्ति है बनने का मतलब एज अ प्रेसिडेंट वुमन विंग्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अहमदनगर पर। तो ये जो हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो दिए हैं, तो अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ हमने उनको अपॉइंट किए हैं एज अ प्रेसिडेंट वुमन विंग्स डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर। एक्चुअली हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा है ये एक कंपनी जो पूना से बोलने का मतलब अपॉइंट की गई है कंपनी एज अ नेशनल लेवल पर। और उसके साथ साथ बोलने का मतलब यहाँ से फिर हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर भी ये काम को जोड़े हैं। उसके साथ में बोला था काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसके इस काम के अंदर। और मैं भी चाहूँगा कि बोला था आप लोग भी बोला था ये दोनों को कॉपरेट कीजिए, आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि लेडीज़ काफ़ी कम दिख रही है मेरे, मैं तो चाह रहा था कि लेडीज़ काफ़ी रहना चाहिए था ये लोगों का, और लेडीज़ काफ़ी कम है ये लोगों के पास। तो मैं चाहूँगा कि लेडीज़ में भी मालूम होना चाहिए कि भाई ह्यूमन राइट्स क्या है। ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि भाई आपका जन्म सिद्ध अधिकार, यानी कि आपके पैदा होने से लेके तो आपके मरने तक के आपका अधिकार क्या है, आपका बोले तो संविधान ने आपको अधिकार क्या दिया है, किस चीज़ के ताल्लुक से दिया है। तो वो चीज़ के बारे में अभी तक कोई भी इंसान को पता नहीं है कि उसका खुद का अधिकार क्या है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बोले तो भाई इसके साथ में आता है एजुकेशन, इसके साथ में आता है ना हॉस्पिटल्स का मसला, इसके साथ में आता है पुलिस स्टेशन के मसले। अगर पुलिस स्टेशन के अंदर भी कोई केस वगैरह अगर नहीं ली जाती है, कोई अत्याचार हो रहा है किसी के ऊपर, तो आप लोग वहाँ पर स्टैंड हो सकते हैं आपके खुद की हक की लड़ाई लड़ने के लिए। तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स को बनने का था आपको संविधान ने दिया है पूरा कि आप पूरी तरीके से आपकी जी जान तोड़ के बोले तो आप इसके अंदर मेहनत कर सकते हैं। लोग हमको मिलते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, क्या पूरे इंडिया के अंदर, जो हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो तो आगे आते हैं। तो ऐसे लोगों को जो हमको लिया जाए तो हमारा मशवरा हुआ और नियुक्ति पत्र जो है तो आज इनको दिया गया। तो मैं चाहता हूँ परवीन बाजी से कि भाई हक की लड़ाई हमको लड़ना है और इनको जो न्याय दिलाने का जो काम करना है, जो असल में ह्यूमन राइट्स का मसला जो है, या बड़े बड़े नेता जो बाज आ जाते हैं, बड़े बड़े संगठन जो है तो बाज आ जाती है और पुलिस बाज आ जाती है, तो आखिरी में हमारा काम आता है ह्यूमन राइट्स का, उनको न्याय दिलाने का काम। तो मैं चाहता हूँ परवीन बाजी से कि आप बड़ी ईमानदारी के साथ में, यानी पूरे नगर जिले के अंदर आपको जो है तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ईमानदारी के साथ में ये अपनी पद का जो है तो सही इस्तेमाल करेगी। प्रतिनिधी निलेश आगरकर, नगर न्यूज 24 अहमदनगर। नवीन बातम्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा।